अगर आप अपने मन को एक खास तरीके से रखते हैं तो आपके पास जो अतिरिक्त ऊर्जा होगी वो बहुत ज्यादा होती। 3 दिनों के अंदर हम आपको ध्यान का एक सरल तरीका सिखा सकते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को लगभग 24% तक कम कर देगा। अगर आप यहां बैठते हैं तो आपको शरीर का कोई बोध नहीं होगा। इसी आधार पर एक योगी बैठा रहता है। सद्गुरु, हमने ऐसे कई लोगों की कहानियां सुनी हैं जो ध्यान की गहरी अवस्था में चले जाते हैं और वो कई महीनों तक भूख और प्यास जैसी बुनियादी मानवीय जरूरतों का त्याग कर देते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि अगर इंसान पानी न पिए तो वो 10 दिनों में मर सकता है। तो कृपया हमें समझाएं कि मेटाबॉलिज्म की ऐसी अवस्था कैसे प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए आपको अपने दिमाग को थोड़ा घुमाना होगा, क्योंकि ऐसी चीजें आपकी किताबों में नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही किसी ने ईशा योग केंद्र से मुझे एक संदेश भेजा। वहां ध्यानलिंग नाम की एक जगह है, ऐसा अक्सर होता है, लेकिन ये एक विदेशी नागरिक के साथ हुआ, तो थोड़ी चिंता के साथ संदेश मेरे पास आया। तो ये महिला सुबह 7 बजे जाकर ध्यानलिंग में बैठ गई, क्योंकि लोगों की संख्या ज्यादा होने के कारण हर किसी को वहां बैठने के लिए सिर्फ 15 मिनट का समय मिलता है। तो सुबह 7 बजे वहां बैठी और दोपहर 3 बजे तक वो नहीं हिली। कुल कितने घंटे हुए? 3+8 घंटे। वो बस बिना हिले डुले बैठी रही। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो इतनी देर से बैठी है। उसने सोचा वो बस 15 मिनट के लिए ही बैठेगी। तो उन्होंने मुझे संदेश भेजा, सदगुरु वो सुबह से हिली नहीं है, क्या हम उसे उठाएं? मैंने कहा उसे अकेला छोड़ दो, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। एक बार ऐसा हुआ, मैं बैठा था बहुत पहले। मैंने सोचा, उस समय ये मेरे लिए भी नई बात थी, मैंने सोचा कि मैं वहां 25-30 मिनट के लिए बैठूंगा। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे सामने गांव की बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। मेरे गले में मालाएं थी, वो सब मेरा पैर छूना चाह रहे थे। पता है ना, भारत की जो पहचान है। और जिस पल मैंने अपनी आंखें खोली, कोई अपने कंधे के बारे में जानना चाहता था, कोई जानना चाहता था कि उसकी बेटियों की शादी कब होगी, हर तरह की बातें। फिर मैंने कहा, तुम सब बेवकूफ कहां से आ गए? उन्होंने कहा, आप यहां 13 दिनों से बैठे हुए हैं। So, आप पूछ रहे हैं कि सिस्टम में क्या होता है। देखिए, अभी मैं बोल रहा हूं, अगर आप मेरी नाड़ी चेक करें तो ये 55-58 के आसपास की रेंज में होगी। अगर मैं चुपचाप बैठा रहूं तो ये 40 से नीचे चली जाएगी। अगर मैं बस बैठ जाऊं और बिना किसी बातचीत के या बिना हरकत के कुछ करता हूं और बस बैठा रहूं तो ये 40 से नीचे चली जाएगी। अब ये सहज स्थिति में है, इससे अंदर कोई अनावश्यक घर्षण पैदा नहीं होगा, तो ये जो ऊर्जा खर्च करेगा वो बहुत कम होगी। आप सब मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आपको ये पता होगा कि शरीर की 20% ऊर्जा हमारा दिमाग खर्च करता है। हालांकि ये मुश्किल से 700 ग्राम के लगभग ही होगा। तो इतना सा शरीर 20% ऊर्जा खर्च कर रहा है, इतना बड़ा शरीर केवल 80% खर्च कर रहा है। अगर आप इसके और इसके वजन की तुलना करें तो यह 50 गुना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो आपको समझना चाहिए, अगर आप अपने मन को एक खास तरीके से रखते हैं तो आपके पास जो अतिरिक्त ऊर्जा होगी वो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि आप अनावश्यक रूप से ऊर्जा नहीं खर्च कर रहे हैं, ऊर्जा की बर्बादी नहीं हो रही है। यही हर सिस्टम में लागू होता है, चाहे वो कार हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो कुछ भी हो। जितने कम घर्षण के साथ वो चलेगी उतनी ही उसकी ऊर्जा बचेगी, है ना? किसी भी चीज में अगर बहुत ज्यादा घर्षण हो रहा है तो वो बहुत ज्यादा ऊर्जा खपत करेगी। तो शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और ऊर्जा के स्तर पर अगर आप अपने सिस्टम को घर्षण मुक्त बनाते हैं तो मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा और आप बहुत कुशलता से काम करेंगे, क्योंकि जब आप उसे बढ़ाना चाहेंगे तो आपके पास पूरी रेंज होगी उसे बढ़ाने के लिए।
जब आप उसे कम करना चाहें कम कर सकते हैं। अभी ज्यादातर लोगों के पास जो रेंज है वो बहुत ही छोटी है। अगर आप उन्हें किसी गतिविधि में डालते हैं तो वो पूरी तरह से थक जाएंगे। अगर नहीं डालते, अगर उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो वो पागल हो जाएंगे। अगर कोई काम ना हो तो आप पागल हो जाते हैं, है ना? तो इस स्थिति में ये कम नहीं होगा। अब आप जो कुछ भी सेवन करेंगे वो अधिक होगा, क्योंकि आप उच्च आरपीएम पर हैं और कुछ नहीं। हम 3 दिनों के भीतर आपको ध्यान का एक सरल तरीका सिखा सकते हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को लगभग 24% तक कम कर देगा। ये सबसे अधिक गिरावट है जो आप ध्यान की सचेतन अवस्था में हासिल कर सकते हैं। अगर मेटाबॉलिज्म इससे नीचे गिरता है तो आपको शरीर का कोई बोध नहीं होगा। अगर आप यहां बैठते हैं तो आपको शरीर का कोई बोध नहीं होगा। इसी आधार पर एक योगी बैठा रहता है। देखिए, अगर आप यहां बैठते हैं, भले ही आपके पास घड़ी ना हो, पर आपकी टांगें, आपकी पीठ, आपका पेंदा, हर चीज समय बता रहा है ना? हेलो, आपको घड़ी की जरूरत नहीं है। अगर आप यहां 3 घंटे बैठते हैं तो आप जान जाएंगे कि आपको उठना है। शरीर जानता है। तो कोई व्यक्ति घंटों या कई दिनों तक बैठा रहता है क्योंकि उसे शरीर का कोई बोध नहीं है। शरीर का बोध न होने का कारण केवल मेटाबॉलिज्म का कम होना नहीं है, बल्कि आपकी ऊर्जा की तीव्रता की वजह से भी है, जो जैविक ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा का दूसरा आयाम पूरी तरह से तीव्र है। जब यह पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है तो आपको शरीर का कोई बोध नहीं रहता। अगर मैं किसी कार्यक्रम में जाता हूँ 10 घंटे 12 घंटे, मैं अकेला हूँ, मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो लगातार पानी पीता हूँ, लेकिन मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो वॉशरूम नहीं जाता, मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो ब्रेक नहीं लेता, हर कोई हर 2 घंटे में ब्रेक लेता है और वापस आता है, सिर्फ इसलिए कि आप अपनी शारीरिक प्रक्रिया से कितने जुड़े हुए हैं। शुरुआत में यही इन चीजों को तय करता है, लेकिन साधना भी मौजूद है। आपके सिस्टम के साथ कुछ काम भी किया जाना है तो शायद हर कोई उस स्तर की साधना करने के लिए तैयार ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ साधना सबको करनी चाहिए, थोड़ी सी भी, ताकि जो आप करना चाहते हैं उसे प्रभावशाली तरीके से कर सकें। आप अपने जीवन में जो भी करना चाहते हैं उसे पूरी क्षमता से करने में आपको सक्षम होना चाहिए। आप क्या करते हैं मुझे इसकी चिंता नहीं है, लेकिन आप जो भी करते हैं आप उसे अच्छे से कीजिए, है ना? हेलो, आपको इसे अच्छे से करना चाहिए। एक इंसान के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसे अच्छे से करें। तो इसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपका अपना शरीर और आपका अपना मन बाधा न बने। आपका अपना शरीर और अपना मन आपको हर समय परेशान न करे। वो ऐसे मंच होने चाहिए जिन पर आप खड़े हों। अभी लोग इसमें धंस गए हैं। देखिए, ये मंच है, ये अच्छा है। मान लीजिए आप इसमें धंस जाते हैं तो ये बैठकर बात करने के लिए अच्छी जगह नहीं होगी, है ना? ये हमें थामे हुए है तो ये अच्छा है। आपके शरीर, आपके मन को हर समय आपको थामे रहना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बाहरी चीजों पर आपकी निर्भरता कम हो जाएगी। और साथ ही पानी हमेशा मुंह से नहीं पिया जाता। शरीर कई तरीकों से पानी का सेवन करता है। अगर आप सिस्टम को एक खास तरीके से सक्रिय करते हैं तो ये ऊर्जा खपत करता है। देखिए, अभी आप खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, हवा में सांस ले रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ऊर्जा पैदा करने के लिए। लेकिन विज्ञान ने स्पष्ट रूप से साबित कर दिया है कि हर जगह पर्याप्त ऊर्जा है। तो अगर आप ऊर्जा को उसी रूप में ग्रहण करने में सक्षम है, अगर उसे आत्मसात करने में सक्षम है, ये कैसे संभव है? योग शब्द का अर्थ बस यही है। योग शब्द का अर्थ है कि आपने अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को मिटाना शुरू कर दिया है। अभी ये मैं हूं, वो आप हैं, बिल्कुल स्पष्ट है ना? क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं कि ये शरीर मैं हूं, वो शरीर आप हैं। ये एक स्पष्ट सीमा है, यानी मेरे शरीर और आपके शरीर की सीमाएं स्पष्ट हैं। मेरे मन और आपके मन की भी काफी हद तक सीमा है। थोड़ा बहुत हम एक दूसरे से मिल सकते हैं यहां वहां, लेकिन मेरा जीवन और आपका जीवन जैसी कोई चीज नहीं होती। आपने कभी साबुन के बुलबुले उड़ाए हैं? या आप स्कूल में भी सीरियस बॉय थे? नहीं, आपने बुलबुले उड़ाए हैं। मान लीजिए हम यहां बैठकर साबुन के बुलबुले उड़ाते हैं। आपका बुलबुला इतना बड़ा है, मेरा बुलबुला इतना बड़ा है। अब मैं कहता हूं ये मेरा बुलबुला है, वो छोटा वाला आपका है, ये मेरा बुलबुला है,
पुप से फूट गया। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मेरी हवा है वो आपकी हवा है। जीवन भी ऐसा ही है, ये एक जीवित ब्रह्मांड है। कुछ आपने समाहित कर रखा है, कुछ मैंने समाहित कर रखा है। आप कितना समाहित करेंगे वो आपके जीवन की गुणवत्ता और महत्व को तय करेगा। मैं चाहता हूं कि आप इसे अच्छी तरह से समझें। आपने कितना जीवन समाहित कर रखा है वो इसे तय करेगा। हो सकता है आपका दिमाग बहुत बड़ा हो, आपकी बुद्धि बहुत तेज हो, आपके पास ढेर सारी जानकारी हो, लेकिन फिर भी आप एक अच्छा जीवन नहीं जिएंगे। सिर्फ तभी जब आप में बहुत सारा जीवन है, अगर आप एक बड़ा बुलबुला हैं, तब ये महत्वपूर्ण है। अगर आपका शरीर बड़ा है तो दूसरे लोग देखकर कह सकते हैं वो बहुत बड़ा है, लेकिन भीतर से आपका अनुभव वैसा नहीं होगा। अगर आपका दिमाग बड़ा है तो लोग सोचेंगे अरे वो बहुत होशियार है, लेकिन अपने भीतर आप एक महत्वपूर्ण जीवन नहीं होंगे। सिर्फ तभी जब आप अपने भीतर बहुत सारा जीवन समाहित करते हैं, बस आप यहां बैठते हैं तो भी आपको शानदार लगता है। जब ये वैसा होगा, फिर आप चाहे अपनी आंखें खोलें या बंद करें, चाहे आप कुछ करें या ना करें, इससे आपको वाकई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ तभी आप इस दुनिया में निहित स्वार्थ के बिना जिएंगे, क्योंकि आप जो करते हैं और जो नहीं करते, आपके साथ जो होता है या जो नहीं होता, अब वो आपके जीवन की गुणवत्ता तय नहीं करता। तभी हम आप पर सचमुच भरोसा कर सकते हैं, है ना? वरना हम नहीं जानते कि आप सर्जरी क्यों कर रहे हैं। मेरा मतलब ऐसे सवाल आ जाते हैं, है ना? क्या मैं आपको एक चुटकुला सुना सकता हूं? एक व्यक्ति सर्जरी कराने गया। उसे सर्जरी की जरूरत थी तो वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोला ये अमेरिका की घटना है, तो डॉक्टर बोला इसमें आपको $36,000 लगेंगे। फिर उसने कहा डॉक्टर मैं इतने पैसे नहीं दे सकता, मेरे पास बीमा नहीं है। फिर डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, तुम हर महीने 3,000 दे देना। पेशेंट बोला लेकिन यह ऐसा लगता है जैसे कार का भुगतान हो, कार खरीदने की किश्त। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा हां मैं एक कार खरीद रहा हूं।